देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और मैं हूँ यति। आपके साथ हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, जहाँ पर हम शराबबंदी को लेकर के लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग मतलब एक तरफ आप देख सकते हैं जैसे नीतीश कुमार ने शराबबंदी करा रखी है, पर फिर भी लोग यहाँ पे शराब पीते हैं, लोग शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि ये शराबबंदी कानून को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ऐसे बहुत से मतलब नेता हैं जो नीतीश कुमार के मतलब जो पक्ष में है और वो भी काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट बोल रहे हैं, और ऐसी मतलब कयास भी लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा भी एक बयान दिया गया है, वहाँ पे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से शराबबंदी कानून लागू हुई है, तब से जो युवा हैं वो इसकी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं, जो युवा है वो और भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ राय है इस जो बयान आया तेजस्वी यादव की तरफ से, तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे एक दादाजी हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादाजी कह रहे थे तेजस्वी यादव का कुछ दिन पहले बयान आया था कि जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से जो युवा पीढ़ी है वो उसके तरफ और ज़्यादा खींची चले जा रही है, तो क्या शराबबंदी कानून खोल देना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि शराब बंद होने से बहुत क्षति है पीने वाला के शरीर में। वही खाद पर दारू चुआ रहा है, उस शोधल दारू भट्टी में मिलता था वो चीज़ नहीं अब मिल रहा है, और जो धरा दे रहा है पीने वाला उसको 6000 रुपये लग रहा है, और मान लोग नहीं रहे हैं पीना है। हमको तो लगता है कि पहले से विशेष दारू सगरों देहात में चल रहा है, इन लोग से पुलिस लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसी झूठो ही लोग पैसा खाली खींच रहे हैं धर धर के। क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो खोल देंगे शराबबंदी? हैं अब तो कह रहे हैं खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, अब तो उनको इच्छा न होगा। और अगर वो खोल देते हैं शराबबंदी तो क्या नीतीश कुमार के साथ उनका बन के रहेगा, या फिर अब वो आगे मतलब खिलाफ हो जाएंगे एक दूसरे के? वो तो खिलाफ होबे करेंगे, ये खुलवा देंगे वो बंद किए हैं तो वो तो खिलाफ जरूर होंगे। दादा आपका क्या विचार है दादाजी, शराबबंदी कानून जो लागू करवाए हैं नीतीश कुमार उस पर? लागू कर दिए हैं शराबबंदी 2016 से चल रहा है। अब देखिए शराबबंदी को जो है जो साफ बंद हो जाना चाहिए, एक भी नहीं यहाँ पीना चाहिए, न नशापति होना चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं, उससे ज़्यादा लोग पीते हैं और कहाँ शराब आता हो तो जाने भगवान। तो क्या लगता है शराबबंदी कानून मतलब खोल देना चाहिए, आपका क्या विचार है? ऐसे तो खोलना नहीं चाहिए, बंद साफ करना चाहिए, जो कि ये नशा से युवा जो है उसको सब खराब हो जाता है, नशा कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है आपको कि वो शराबबंदी कानून खोल देंगे, क्योंकि वो बोले हैं कि जब से बंद हुआ है तब से जो युवा पीढ़ी है और भी ज़्यादा उसकी तरफ जा रही है? देखिए इसे तो खोल ही देने में ठीक है, अपना कहीं पी लगा आराम से रहेगा, ये तो ज़्यादा पैसा तैसा दुनियादारी सब बर्बाद करता है और नाजायज में सब चल रहा है। और अगर वो खोल देते तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार से मतलब आप जनता है तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ उनका हो जाएगा, अगेंस्ट चले जाएंगे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे? हाँ खिलाफ हो जाएंगे, अगर खोलेंगे तो खिलाफ हो जाएंगे, वो कहे वो बंद किए हैं मुख्यमंत्री हैं बंद किए हैं, ये जब खोलेंगे तो खिलाफ तो होना है। तो ये भी तो उप मुख्यमंत्री है, मान लीजिए अगर खोल ही देते हैं तो फिर क्या? खोल देते हैं तो कुछ तफरका बढ़ेगा उन दोनों आदमी में।